पापा, इसमें तो ऐसी बहुत सी चीजों की मालूमात है जिनका आम लोगों को पता भी नहीं होगा। इसीलिए आपको दिए ना पढ़ने के लिए। दिस इज टू मच। मेरे ख्याल से मैं उसके पेरेंट्स को कॉल करती हूँ, क्योंकि आप मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। मैम वो आउट ऑफ कंट्री हैं। क्या? हाँ, बिजनेस टूर पर गए हुए। शायद यही माँ बाप की दूरी फिर उसको यहाँ तक ले आई है। हुरैन, वजह जो भी हो, गलत गलत होता है। खैर, मुझे एक बात बताओ, कहीं खुदा ना खास्ता हमारी लड़कियां भी ये स्मोकिंग वगैरह के चक्कर में तो नहीं पड़ गईं? मैम सच कहूँ तो फैशन के तौर पे लड़कियां भी स्मोकिंग कर रही हैं, और कुछ की तो उनके दोस्तों ने उन्हें आदत डलवा दी है। फैशन? स्मोकिंग का फैशन? फटी हुई जीन्स जो पहन के बच्चे फिरते हैं वो तो समझ आता है कि फैशन है, लेकिन ये स्मोकिंग फैशन में कौन करता है? मैम एक तरफ हम बच्चों के साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ वर्कशॉप कर रहे हैं, और घर घर जाके बता रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ पढ़ने वाली हमारे ही दोस्त ड्रग जैसी गंदी चीज़ों में मुबतला हो गए और मौत के मुंह में जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई महफूज ही नहीं है। आप दोनों मेरी एक बात याद रखिएगा, बाज़ औक़ात तेज आंधी के बाद ना बारिश होती है जिससे सारी धूल मिट्टी गर्द बैठ जाती है। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों ने बारिश का काम करना है, समझे मेरी बात? अब आप जा सकते हैं। वहां तो खून निकल रहा है, पुलिस को बुलाए कोई। पुलिस को छोड़ो प्लीज, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को कॉल कर दिए मैंने। फिरोज कहाँ है? उसको रियान ने सुफिया के पास ले गया। कहाँ गया वो? भाग गया। तुमने उसे भागने कैसे दिया? वो दरअसल झाड़ियां टाप के भाग गया। अभी उनको पकड़ने से ज्यादा ना सारिम को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है, प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुलाए। हाँ भाई, फिर क्या सोचा तुमने? अब पुलिस को आने दो, वही तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करेगी। इसका तो मैं ना डैड को बोल के कोर्ट मार्शल करा दूंगी। तो तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? ड्रम बजा दो इसका। अगर मुझे इजाजत दो तो मैं इसको एक थप्पड़ लगा दूं, प्लीज। इसकी इतनी ताकत कहाँ से आ गई? रोज सुबह जिम जाती हूँ। मेरी साइंस कहती है इसको तो करंट लगाना चाहिए ताकि इसका दिमाग ही पलट जाए। तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? हंसी नहीं आ रही, खुशी हो रही है। नोबेल प्राइज मिलना चाहिए तुम लोगों को, ये छोटा काम थोड़ी ना किया। अरे शुक्र है यार पुलिस आई। सर यही वो लोग हैं जो ड्रग्स का धंधा करते हैं, जहर बेचते हैं हमारे मुआशरे में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
आप फिक्र नहीं करो, उसको ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली नस्लें याद करेगी इसकी। ले जाएं सर, ले जाएं। सर छोड़ेगा नहीं इसको। आर्यन कहाँ गया? इंसुलिन लेने गया। यार सारे मैं क्या कह रही हूँ, पट्टी करा लो ना, देखो इतनी ज्यादा लग गई है। अरे नहीं यार, इतनी नहीं लगी, घर जाकर कर लूंगा। तुम्हें क्या गोली लगी है? ओ अल्लाह ना करे, पागल। मैं समझा उसके पास गन थी। थैंक गॉड उसके पास गन नहीं थी। सारे मेरी साइंस कहती है कि... ओह माय गॉड। ओ बुरी बात होती है शर्फू भाई। क्या गलत किया मैंने? कैंटीन में बैठे होते तो अनीस भाई क्या करते? ओह माय गॉड। गाइस मैं घर जा रही हूँ, डैड भी आ गए होंगे, उनसे भी ये सब डिस्कस करना है, प्लीज मेरे लिए कैब करा दो। अच्छा मैं करा। If you don't mind, can I drop you? आपको पहले कभी देखा नहीं? Sorry, इस सारी टेंशन में मैं अपना इंट्रो तो भूल गया। I'm Azan, I'm here for MS Sociology. It was my first day और ये सब हो गया, very bad. चले, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ऐसे सच कहूँ तो जो आपने आज किया ना यार, वो मतलब काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा काम किया उसको पकवा के। अरे नहीं नहीं, ये सब तो मेरा फर्ज था। ऐसे भी इस मुल्क कौम की खिदमत और देखभाल हम सब का फर्ज है। बहुत अच्छा लगा आपके जज्बात जानकर। और ये हुरैन। हाय। और ये है हमारे भाई। आपको मैंने देखा है, मैं एडमिशन के लिए आया था तब। ओ शर्फू भाई, कहीं आपने से भी तो पैसे नहीं ले लिए? जी नहीं, और मुझे अच्छा लगा कि इससे पैसे नहीं लिए फिर भी मुझे जानता है। और ये है हमारी अदिति। नाइस टू मीट यू। और ये है सारिम, मास्टर्स का मास्टरमाइंड। हुरैन कैब आ गई? हाँ 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 आ गई है, चलो चलते हैं। सारे मैं तुम्हें क्लिनिक ले जाऊँ, तुम्हें ज्यादा लग गई है ना? अरे नहीं नहीं, अब बेहतर हूँ, बस थोड़ा सर चकरा रहा है इसलिए बाइक चलाने में मुश्किल हो रहा है। सारिम, मास्टर्स का मास्टरमाइंड, इसकी इतनी औकात वो रोहान की जगह नहीं लेगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, वो रोहान की जगह कभी नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। मास्टर्स का मास्टरमाइंड, उसने रुहान की जगह ले ली और मुझे पता भी नहीं चला। कितनी स्टुपिड थी मैं, उसकी मोहब्बत मुझे नजर ही नहीं आई। उसने इतना कुछ किया है मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। आखिरकार हुरैन ने मुझे वो मकाम दे ही दिया जिसका मैं हमेशा रुहान को हकदार समझता था। मैं तो समझता था ये मोहब्बत सिर्फ मेरे दिल में है, लेकिन नहीं, हुरैन भी मुझसे मोहब्बत करती है। इसका तो अंदाजा ही नहीं हुआ। आज मैंने खुद को मजबूत पाया, वाकई में पता चल गया कितना मुहिब्बे वतन। कोई भी पाकिस्तानी अपने वतन के दुश्मनों के साथ ऐसे ही लड़ता,
इसीलिए तो हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। उर्वा ने तो आज दिल्ली जीत लिया कसम से। अम्मी वो मेरी साइंस कहती है इधर दिखाएं मेरे कपड़े, देखे आपने? यूनिवर्सिटी जाना है, उसके बाद पुलिस स्टेशन भी जाना है। पुलिस स्टेशन क्यों? अब क्या कर दिया तुम लोगों ने? किसके खिलाफ मास खोल दिया? मास खोला नहीं है, अब तो खत्म होने जा रहा है वो। बस ना पुलिस स्टेशन कंप्लेंट की कॉपी लेने जाना है, और अब टेंशन मत लीजिएगा, मैं सारे के साथ जाऊंगी। किसकी कंप्लेंट की कॉपी? क्या किया ये? वो यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के लड़कियां ना ड्रग्स ले रहे थे। अब कहाँ से ले रहे थे, कहाँ से खरीद रहे थे, ऐसे आदत पड़ी उसका। जैसे ही पता चला तो वो लड़का अरेस्ट हो गया। हसब खुदा का, किसे गिरफ्तार करवा दिया? अम्मी वो लड़का जो है ना यूनिवर्सिटी आया ही ड्रग्स बेचने का। आपको पता है सारन ने से बहुत मारा, बेचारे का सर भी फट गया। सर क्यों फाड़ा सिर्फ उसका? टांगे तोड़ देनी चाहिए थी। उस लड़के का सर नहीं फटा था, सारन का सर फट गया था। या अल्लाह, इस बेचारे को भी ना यूनिवर्सिटी रास ही नहीं है। जब भी यूनिवर्सिटी आता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा बताए मेरे कपड़े कहाँ रखे? मैं जरा तुम्हारे कमरे में इस्त्री करके रखे। अच्छा अच्छा, बस आप दुआ कीजिएगा कि आज के मिशन में हम सक्सेसफुल हो जाए। अब कौन सा मिशन है? वो अभी यूनिवर्सिटी जाके पता चलेगा। ठीक है, बस आपकी दुआ मेरे साथ है ना, तो मैं कभी भी नहीं हार सकती। ख्याल रखना। अबे यार ये कॉल नहीं उठा रहा यार, ये घर पे भी नहीं था आज, यूनिवर्सिटी भी नहीं आया। तो मेरी साइंस कहती थी टेंशन की ले रहे हो, तुम्हारे पास लोकेशन है ना, तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है, तो फिर। अरे यार मेरी बात सुनो, हमने करना ये है कि हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ जाके इंस्पेक्टर के साथ बात करते हैं, उसको लोकेशन देते हैं, आगे वो जाने उनका काम जाने। वो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ तो तुम कैसे सोचोगे, मास्टरमाइंड कौन है? सारिम। ठीक है हाँ ठीक है। अच्छा बात सुन, तुम्हारा गिटार कहाँ है? यार उसकी क्लासेस तो मंडे और सैटरडे होती है ना, तो नो नीड यू नो। सारिम हम भी गाना सीखे। गाना सीखे यार, तुम तो वैसे भी बहुत अच्छी कवाली गाती। ओए ओए ये गाना कैसे गाएगी? मेरी साइंस कहती है ऐसी ज़मीं, मेरी साइंस कहती है और आसमां, तुम कैसी गाना कहाँ थी? मेरी साइंस कहती है दिल 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 पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, मेरी साइंस कहती है मेरे से। मेरी साइंस कहती है कि मैंने पहले ही कहा था, देख रहे हो तुम सारे, देख रहे हो। अरे यार तुम लोग भी क्या बात को कहां से कहां ले जाते हो, समझा लो इसको। शानी समझ जा, मैं तो पहले दिन ही समझ गया था। तुम दोनों मुझे ना बिलावज ऐसी तंग करते रहा करो, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी साइंस ने तो ये बात की नहीं, फिर तुम कैसे जा रही हो? देख रहे हो इसको, समझा लो, बता रही हूँ। अच्छा तुम गुस्सा नहीं करो, मैं समझा देता हूँ। मोबाइल 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 रह गया। मुझे दे दे। यार तू उसे कह क्यों नहीं देता? क्या कहूँ यार, देख बेशक मैं सुधर गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर का कमीना आज भी जिंदा है। अगर तू उसे नहीं कहेगा तो मैं कह दूंगा। कमीना तो तू वैसे ही है, और तू बोल दे। नहीं यार क्या है ना, मैं वो टीना से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो मैं दो दो को कैसे संभालूंगा। तू अभी तक बहुत हरामी है। Oh my God! आओ क्या नीस भाई, डरा दिया आपने तो मुझे। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं किया, बल्कि इसको देख के किया। मुझ में ऐसा क्या देख लिया आपने? वही जो तुम छुपा रहे हो। क्या छुपा रहे, दिखाए मुझे। अरे मैं कुछ नहीं छुपा रहा, ये अनिल भाई सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए बोल रहे हैं, ट्रस्ट मी। देखा तुमने, कल डॉक्टर ने इसे आराम करने को कहा था और आज ये फिर आ गया। बिल्कुल अनिल भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने भी इनसे आराम करने का कहा था, लेकिन मजा ले मेरी बात तो सुननी नहीं है आपने। अरे भाई यहाँ भी तो आराम करने ही आए हैं, पुराने वाले नोट्स बनाएगी और वो मेरे पेपर दे देगी। जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मैं कोई एग्जाम्स नहीं देने वाली, और हुरैन से भी कह दूंगी कोई मदद करने की जरूरत नहीं है, खुद पढ़े। क्यों मेरे साथ इतना जुल्म क्यों? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अबे यार अभी अभी लेक्चर सुन के आए, तुम लोग ने एक और लेक्चर शुरू कर दिया।
अच्छा तुम लोग ये बताओ कि मिस सोफिया ने बच्चों के घर वालों से बात की? हाँ, अब सिर्फ उन घर वालों से बात करना रहती है जो अपनी बेटियों को पढ़ाई की इजाजत नहीं दे रहे। अरे टीना मीना गए हैं घर वालों से बात करने, देखें अब क्या होता है। इंशाल्लाह अच्छी खबर ही आएगी। इंशाल्लाह 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 अल्लाह बच्चों को भी और उनके घर वालों को भी अकल देगा। बिल्कुल, तुम लोगों को पता है बहुत से बच्चे अपने वालदैन से लड़के इतना तंग आ गए कि अब वो नींदी गोलियां लेना शुरू कर दी उन लोगों ने। बेचारे आदत ना लग जाए उनको, याद नहीं है फिर उसका क्या हाल हुआ था। बिल्कुल, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। फिरोज के घर वालों को तो उसकी फिक्र ही नहीं थी, कब नींद से उठ रहा है, कब सो रहा है, किस हालत में घर आ रहा है, किससे मिल रहा है, अब पछता रहे ना बैठ के। ऐसी बात नहीं है, उसके वालिद साहब उसको बाहर इलाज के लेके गए। तो पहले रखते ना अपने साथ, ये नौबत तो ना आती। अरे उर्वा ऐसे नहीं बोलते, किसी बात करते हो? ओह माय गॉड, सो कैन वी बी फ्रेंड्स? हम प्लीज इनकार मत कीजिएगा, मैं आपसे और आपके बाकी दोस्तों से दोस्ती करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी साइंस। क्या हो गया, बोलने तो दें कि आपको अभी से पता है कि मेरी साइंस क्या कहती है। शांताराम ने कपड़े सिलवाए।